हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में सर्दियों के मौसम में 5 दिवसीय नववर्ष मेले का शुभारंभ हो चुका है। ये नववर्ष मेला 2 जनवरी तक चलेगा। इस नववर्ष मेले के दौरान धार्मिक पर्यटन का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु नववर्ष का आगाज माता के दर्शनों के साथ करेंगे, ताकि माँ के आशीर्वाद से पूरा वर्ष उनके घर परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहे। पंजाब के श्रद्धालुओं के द्वारा पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है। आज से ये नववर्ष मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने सुख सुविधा हेतु मंदिर न्यास पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के आसार नजर आ रहे हैं। मेला पुलिस अधिकारी DSP संजय शर्मा के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 के करीब पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान, एक्स सर्विसमैन, फौजी और वॉलंटियर लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को आराम से माता के दर्शन हो सके और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों को पार्किंग में ही खड़ा करें, सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी ना करें, ताकि सुव्यवस्था बनी रहे। श्रद्धालु जहां पर यहां की गोविंद सागर झील, हरी भरी पहाड़ियों की रोप वे, रंजू मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नजारों का अवलोकन करेंगे, वहीं पर माता जी के दर्शन करके अपने नव वर्ष का आगाज करेंगे, ताकि पूरा वर्ष माता की कृपा से उनके घर परिवार पर बनी हुई सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। मत की तारीख से शुरू है और 2 तारीख तक चलेगा। इसमें हमने दोबारा, जैसे हमारा आमतौर पर रहा है पिछला एक्सपीरियंस, हमने यहाँ पे टोटल 9 सेक्टर्स बनाए हुए हैं। हर एक सेक्टर में अलग अलग इंचार्जेस रखे हुए हैं और हमारी एट प्रेजेंट जो फोर्स की स्थिति है वो इस तरह से है कि लगभग 300 लोग हमारे पुलिस के हैं और 75 लोग होमगार्ड के हैं, तथा 50 सेवा दल के आए हुए हैं। इन सबको हमने हर जगह पे ड्यूटी, जहाँ जहाँ ड्यूटी पॉइंट्स बने हैं सबको लगा दिया है। और मेरे लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जब भी वो यहाँ पे आएँ, अपनी गाड़ियाँ लेके आएँ, तो प्रॉपर से उनको पार्किंग करें, क्योंकि गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे जो गुफा पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे लिमिटेड ही आनी है, क्योंकि लोगों के नंगल्स भी हैं, लोकल्स भी हैं, तो इतनी हमारे पास पार्किंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जो भी वो गाड़ियाँ लेके आएँ, जहाँ जहाँ उनको पुलिस पार्किंग के लिए बोलती है, हमने जहाँ पर जहाँ बंदे लगाए हुए हैं वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे सही ढंग से अपनी गाड़ियों को पार्क करें। और टैक्सियाँ, टैक्सी यहाँ जो टैक्सी यूनियन है उनकी अवेलेबल रहेंगी, जो ऊपर कंटिन्यूसली अप्लाई करती रहेंगी अप डाउन। ठीक है जी, असं धनौले तो आए हैं जी, माता के लड़िया पाउन आए हैं, मंदिर की सजावट वास्ते नवे साल की मुबारक है। कितने दिन लगे सजावट करने वास्ते? सानू सजावट 1.5 दिन लग जाएगा जी। हाँ जी, 1.5 दिन लग जाएगा जी सजावट।